So if you talk about metaphysical poetry, it is very important topic of English literature. और part one में या semester one में यदि आप हैं तो I think ये जरूर आप face करेंगे. तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में. The word meta, यहाँ पर metaphysical में हम दो words देखते हैं, meta and then physical. Meta का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि the word meta means after या beyond कहते हैं, परे. ठीक है, meta means after or beyond. सो द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल का जो लिटरल मीनिंग है इज आफ्टर द फिजिकल, यानी बियॉन्ड द फिजिकल, यानी फिजिकल वर्ल्ड से परे, यानी जिसमें फिजिकल चीज़ों की बात नहीं होती, यानी इस शरीर की बात नहीं होती, या फिर जितनी भी अर्थली चीज़ें हैं, जितनी भी इस दुनिया की चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें जिसको हम कहते हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं होता. एक ऐसे वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री में, यानी कह सकते हो इस दुनिया से परे, इस दुनिया से ऊपर, यानी आफ्टर डेथ भी कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, इट डील्स विद द क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय साइंस. और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका साइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है इस सवाल का. इट क्वेश्चंस द नेचर ऑफ रियलिटी इन अ फिलोसॉफिकल वे, यानी कह रहे हैं कि ये रियलिटी पर सवाल उठाता है, यानी जो चीज़ें दिख तो रही हैं उस पर ये सवाल उठाता है, यानी फिजिकल चीज़ों पर ये बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें टेम्पररी होती हैं, ट्रांजिएंट होती हैं, नश्वर होती हैं. अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया गया है, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या ईश्वर हैं, पहला ही सवाल. इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द अपीयरेंस एंड रियलिटी, क्या वास्तविकता और जो दिखता है और जो है, क्या उसमें कोई अंतर है. क्वेश्चन सब देखिए कैसा कैसा है. इफ यस, यदि हाँ, देन व्हाट इज इट, तो क्या डिफरेंस है. फिर क्या, इज एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड, यहाँ पर प्री डिटरमाइंड में MINED होगा, कि क्या जो कुछ भी होता है वो पहले से तय है. अक्सर हम लोगों के मन में सवाल आता है ना कि भगवान ने या ईश्वर ने सब कुछ पहले से तय करके रखा हुआ है. फिर कह रहा है इफ सो, यदि ऐसा है तो इज देयर नो चॉइस, तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन चीज़ों को बदल सके जो हमारे साथ हो रहा है या जो हमारे आस पास हो रहा है. फिर कह रहा है इज कॉन्शियसनेस लिमिटेड टू द ब्रेन, क्या हमारी जो चेतना है हमारे मस्तिष्क तक ही सीमित है, क्या हम मस्तिष्क से बाहर या मस्तिष्क से ऊपर नहीं सोच सकते. आगे, द टर्म मेटाफिजिकल वॉज क्वाइंड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन. हमने पहले भी बताया था आप लोगों को कि सैमुअल जॉनसन पहले इंसान थे, क्रिटिक थे, जिन्होंने मेटाफिजिकल टर्म को पहली बार यूज़ किया. क्वाइंड का मतलब होता है उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया ये टर्म. He used this term to describe a group of English poets of the 17th century. तो 17th century के जो poets थे England के, उसको उन्होंने बताने के लिए इस term का use किया, उनके लिए use किया उन्होंने ये term metaphysical poets. The works of these poets were remarkable. इन जो poets थे इनका work remarkable था किस चीज़ के लिए, because there was a smell of conceits. Conceit मतलब क्या होता है, pride. Pride मतलब हो गया अहंकार, अभिमान जो कह लो. These poets were not regarded highly until 20th century. और 20वीं शताब्दी तक इनको ज़्यादा सम्मान नहीं मिला, लोगों ने ज़्यादा appreciate इनको नहीं किया. Some of the metaphysical poets are, कुछ नाम यहाँ लिखे गए हैं, जैसे John Donne, George Herbert, Andrew Marvell, Abraham Cowley, Richard Crenshaw and Henry Vaughan. ये सारे metaphysical poets हैं. अब यहाँ पर हमने एक मेजर क्वेश्चन लिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक से. जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी एक मेटाफिजिकल पोएट के तौर पर जॉन डन का क्या रोल था इंग्लिश लिटरेचर में. तो जॉन डन इज़ द लीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, यानी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की बात करें तो वो इसके लीडर भी थे, यानी लीडिंग पोएट ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट पोएट्री वो थे जॉन डन, और फाउंडर भी थे साथ ही साथ. ध्यान रखें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हु वाज़ द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, इसके फाउंडर कौन थे, और बहुत ही ज़्यादा इसके लिए इन्हें रिगार्ड किया जाता है. हिज पोएट्री इज़ अ रिवोल्ट अगेंस्ट द पॉपुलर करंट. अब देखो उस टाइम में क्या था, चूँकि ये इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करा ना, इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी, यानी जो चीज़ें काफ़ी पॉपुलर थी उनके अगेंस्ट इन्होंने लिखा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म वॉज यूज बाय ड्राइडन. हालांकि अब बात करें कि इस टर्म को जो यूज किया था तो वो ड्राइडन भी थे फॉर डन्स पोइट्री, और डन की पोइट्री के लिए, यानी डन की पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री का नाम किसने दिया, तो जॉन ड्राइडन ने दिया. इससे पहले हमने अलग क्वेश्चन देखा, पहली बार जिस क्रिटिक ने उस टर्म को यूज किया वो थे सैमुअल जॉनसन, लेकिन जब हम बात करते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट
किसने माना या इनके पोएम को किसने मेटाफिजिकल पोएम कहा, तो वो थे जॉन ड्राइडन फॉर डन्स पोएट्री, है ना. ही सेड दैट डन अफेक्टेड द मेटाफिजिक्स. और इनका मानना था, जॉन ड्राइडन का मानना था कि ये जॉन डन ही थे जिन्होंने मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करा, प्रभावित करा. लेटर ऑन बाद में डॉक्टर जॉनसन कॉल्ड डन एंड हिज फॉलोअर्स द मेटाफिजिकल पोएट्स. यानी बाद में जो है सैमुअल जॉनसन ने या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने डन यानी जॉन डन और उसके फॉलोअर्स को, फॉलोअर मतलब होता है अनुयायी, जो भी इसके मानने वाले थे, जो इसके फॉलोअर्स थे, इसको जो फॉलो कर रहे थे, इनकी बातों को जो मान रहे थे, इनके थियरी पर चल रहे थे, इसी के स्टाइल में लिख रहे थे, उन सारे को इन्होंने क्या नाम दिया, द मेटाफिजिकल पोएट्स कहा. सिंस देन और तब से द वर्ड मेटाफिजिकल हैज़ बीन यूज फॉर डन. और तब से जॉन डन के लिए ही मेटाफिजिकल पोएट्री को यूज किया जा रहा है, टर्म को, इस टर्म को यूज किया जा रहा है और उसके फॉलोअर्स के लिए. दिस टर्म रेफर्स टू सुपर नेचुरल एंड ट्रांसेंडेंटल. अब यहाँ पर दो टर्म यूज किए गए, सुपर नेचुरल, आपको याद होगा हम पहले भी बताएं, सुपर नेचुरल ऐसी चीज़ें होती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो बस हमारी कल्पना तक सीमित होती है, हमारे स्पिरिट से उसका वास्ता होता है, यानी हमारी आत्मा से उसका संबंध होता है. और ट्रांसेंडेंटल यानी जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता. इन नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये चीज़ें किस पर बेस्ड होती हैं, एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती हैं. इट ऑल्सो मीन्स बियॉन्ड फिजिकल. और फिर से मैंने कहा एक बार कि ये इसका मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल. इट डील्स विथ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. ये जीवन की जो हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती है, जो आधारभूत समस्याएँ होती हैं, एंड डेथ, और ये मृत्यु के बारे में भी बात करती है, एंड सॉल इवन आफ्टर डेथ. और मरने के बाद भी जो आत्मा का जो रोल होता है, हम लोग मानते हैं ना अक्सर, जो खास करके देखो ये काफ़ी रिलीजियस थाट था, एक धार्मिक प्रवृत्ति की सोच थी कि मरने के बाद, और हम सभी जानते हैं यदि हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा माना जाता है कि इस बॉडी के अंदर जो है, विलियम शेक्सपियर की भी बहुत सारी हमने ऐसी कविताएँ पढ़ी है, विलियम शेक्सपियर ने भी इस चीज़ को माना है. और अक्सर जब भी फिलोसफी और लिटरेचर की बात करोगे ना, इसमें सॉल का रोल जो है देखा जाता है, आत्मा का क्या रोल है, बॉडी कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है सॉल पे, है ही. द सब्जेक्ट्स ऑफ दीज काइंड ऑफ पोएट्री आर, इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, देखिए, नेचर ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का क्या नेचर है, ब्रह्मांड, यानी ये किस थियोरी पर वर्क करता है, हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं. मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यानी नक्षत्र, ग्रह, इन सब का जो मूवमेंट है. एंड द होल रिलेशनशिप ऑफ मैन टू गॉड, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंसान का क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है गॉड से, क्या कितना क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री आर, क्या क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण क्या क्या है, नोबल थॉट्स, एक्सप्रेशंस, कंसीट. नोबल थॉट मतलब होता है एक ऐसी सोच जिसको कोई गलत नहीं कह सकता, एक आइडियलिस्टिक थॉट कह सकते हैं. एक्सप्रेशंस यानी जो कुछ हम सोचते हैं, हमारे विचार जो होते हैं उनको जब हम प्रकट करते हैं वही हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं. कंसीट या प्राइड, हमने पहले भी बताया इनकी मेन चीज़ जो है इसकी कंसीट है, प्राइड है. प्राइड का मतलब होता है ना स्वाभिमान भी कह सकते हो, अभिमान भी होता है, पॉजिटिव वे में भी होता है. विट, विट मतलब होता है समझदारी, बुद्धिमानी जिसको कहते हैं, विजडम जिसको कहते हैं. ऑब्सिक्योरिटी जिसका मतलब होता है डार्कनेस, डार्कनेस मतलब क्या हो गया, अज्ञानता, इग्नोरेंस, अज्ञानता. अंधकार का मतलब तो अज्ञानता ही होता है. एंड लास्ट वन है लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना यानी, और नॉलेज भी कह सकते हो, ज्ञान. और स्वाभाविक है ज्ञान का मतलब प्रकाश होता है, ब्राइट, जो हम एक नहीं कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, हम लोग नहीं एक बोलते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, मतलब मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, मतलब मुझे शिक्षा दो, मुझे शिक्षित, नॉलेजेबल बनाओ, मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जलाओ, है ना. ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन डन्स पोइट्री. अब देखो एग्जाम में यदि आता है कि डन के पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक लिखो या मेटाफिजिकल पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक लिखो, दोनों कॉमन है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये लीड कर रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट्री को. व्हेन ड्राइडन जॉनसन एंड डॉर्डन, कुछ नाम्स हैं ये, तो कॉल्ड डन ए मेटाफिजिकल पोएट, दे रेफर्ड टू द स्टाइल ऑफ डन. मतलब जब भी उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट की चर्चा की, मेटाफिजिकल पोएट के बारे में बात किया, उनका मतलब यही था कि जॉन डन की पोएट्री, जॉन डन की स्टाइल, उनकी शैली. बट व्हेन डी क्विंसी, एक और नाम है, डिसएग्रीड विद देम, जब इन्होंने इनसे असहमति जताई, डी क्विंसी ने,
ही मीन्ट द सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएम्स, यानी उनके पोएम के जो सब्जेक्ट्स थे उससे उन्होंने असहमति जताई. हिज पोइट्री इज मेटाफिजिकल बिकॉज ऑफ हिज इंडिविजुअलिज्म, यानी इंडिविजुअलिज्म की वजह से ही उनकी कविताओं को मेटाफिजिकल पोइट्री का नाम दिया गया. यानी बिल्कुल ही अलग था ये अपनी व्यक्तिगत सोच को रखते थे अपनी कविताओं में. एंड हिज क्वेस्ट फॉर लर्निंग, क्वेस्ट मतलब होता है खोज, यानी जो उनके ज्ञान की जो खोज थी उनकी, नॉलेज है ना. हिज पोइट्री इज फुल ऑफ विट, उनकी कविताओं में जो है विट की बात हुई है, समझदारी बुद्धिमानी की बात हुई है, विजडम की बात हुई है. इट इज ऑब्सक्योर और अनक्लियर, यानी यह चीज बिल्कुल अस्पष्ट है, अस्पष्ट नहीं है. एंड इट इंडल्जेज कंसीट्स, और इसमें बहुत जगह आपको कंसीट्स भी दिखते हैं, यानी अहंकार भी दिखते हैं, अभिमान भी दिखते हैं. इट फोकसेस थॉट एंड इमोशन, और यह मेनली दो चीज़ों को, यानी पोएट के पर्सनल क्या थॉट्स हैं उसको और इमोशंस, इसको वो बताते हैं. अब यहाँ पर एक चीज़ मन में समझ में आ रहा होगा कि पोएट का भी पोएट, बहुत सारे पोएट्स ने जो पोएम की डिफिनीशन दी है, परिभाषा दी है, वो अलग अलग तरह से दी है. जैसे हम वर्ड्सवर्थ की बात करें, वर्ड्सवर्थ इस चीज़ से काफ़ी सहमत थे कि एक पोएट का जो पर्सनल इमोशन होता है वो भी एक पोएट्री में लिखा जा सकता है. उसके हिसाब से जॉर्डन सही थे, लेकिन जब तुम अभी मॉडर्न क्रिटिक पे आओगे, टी एस इलियट के बारे में जब आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा टी एस इलियट का मानना था कि आपके पोएम्स में पर्सनल इमोशन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बायोग्राफी नहीं है, वो एक ऐसी पोएम है जिसे रीडर्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपका पर्सनल परसेप्शन नहीं होना चाहिए, आपके पर्सनल थॉट्स, पर्सनल इमोशंस नहीं होने चाहिए. बहुत ये डीप चीज़ें हैं, यहाँ पर ज़्यादा उसका जिक्र हम नहीं करेंगे. वही चीज़ है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि इसमें जो पोएट्स जितने भी थे, जो भी पोएट्स थे मेटाफिजिकल पोएट्स, उन्होंने दो चीज़ों को प्रायोरिटी दी, अपने इमोशंस को और थॉट्स को, अपने व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत अपनी भावनाओं को इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया. एंड इट इज़ लॉजिकल, एनालिटिकल एंड मिस्टिकल, और इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ध्यान देना. और लॉजिक होता भी है तो वो अपना पर्सनल लॉजिक लगाएगा, वो आपके लॉजिक के हिसाब से भी सही हो ये जरूरी नहीं है. एंड मिस्टिकल इसीलिए कहा गया इसको, एकदम रहस्य एक तरह से. अब कैरेक्टरिस्टिक को डील किया गया है थोड़ा. सबसे पहले है लर्निंग, तो द मेटाफिजिकल पोएट्स वर मैन ऑफ लर्निंग, जितने भी मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो मैन ऑफ लर्निंग थे, ठीक है, वो पढ़े लिखे लोग थे. देयर पोएट्री रिवील्स देयर स्कॉलरशिप, और उनकी पोइट्री से ही अंदाज़ा लगता है वो कितने ज़्यादा पढ़े लिखे थे. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और इस नज़रिए से, जॉन डन इज़ अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट. जॉन डन को हम एक ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट के तौर पर मान सकते हैं. हिज पोइट्री बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ही इज ट्विस्टेड, ही हैज ट्विस्टेड हिज वास्ट लर्निंग इन इट, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है, अपने शब्दों को इस तरह से गुथा है कि उसे समझना या उसके सही अर्थ निकालना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है. इन हीज पोइट्री देर इज ऑलवेज अ कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभास है, जब आप पढ़ोगे तो लगेगा कि नहीं, क्या हम इससे एग्री करते हैं, खुद ही आप कन्फ्यूज हो जाओगे. बिटवीन नेचुरल एंड डिवाइन नॉलेज, नॉलेज भी दो तरह का होता है, एक नेचुरल नॉलेज यानी जो हम गेन कर रहे हैं, जैसे वैसे दो भी कहा जाता है, एक आप लोग सुने होंगे, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है, एक भौतिक ज्ञान होता है, जिसको हम एक फिजिकल नॉलेज बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल नॉलेज होता है. इस दोनों में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस होगी. अब देखो, जैसे तुम साइंस को मानती हो, तो साइंस को मानोगे तो कभी भी स्पिरिट्स को नहीं मानोगे, सुपर नेचुरल थिंग्स को नहीं मानोगे, तो साइंस का इससे कोई मतलब नहीं था. ये बस एक रिलीजियस परसेप्शन को दिखाती है, फिलोसफिकल परसेप्शन को दिखाती है, एक जो आध्यात्मिक सोच होती है उसको यहाँ दिखाती है. उसके बाद बात करें तो न्यू थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, तो इसमें नए विचार उभर कर आए, सामने आए. डंस पोइट्री इज प्योरली, यहाँ पर ई छूटा हुआ है, प्योरली इंटेलेक्चुअल एंड इट मेक्स एन अपील, डी नहीं होगा यहाँ पर, एन अपील और रिक्वेस्ट टू द इंटेलेक्चुअल्स. यानी उनकी जो पोइट्री को हम जब पढ़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, वो काफ़ी समझदारी से इसको लिखा गया है. एंड इट मेक्स एन अपील, ये एक रिक्वेस्ट करती है टू द इंटेलेक्चुअल्स, उन लोगों से जो पढ़े लिखे हैं, जो लर्नेड लोग हैं, उनसे एक अपील करती हुई नज़र आती है कि आप इन चीज़ों पर फोकस करें, मतलब उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं. हिज थॉट्स आर ऑफन न्यू, उनके विचार अक्सर नए होते हैं. ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स इन ए यूनिक मैनर, और बिल्कुल ही अलग अंदाज में इन्होंने अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट किया, अपनी कविताओं में दिखाया है. इट कैन बी आल्सो सेड दैट, यह भी कहा जा सकता है कि ही यूज्ड टू प्ले विथ हिज थॉट्स, अपने ही विचारों से वो खेलने के आदी थे, मतलब उन्हें काफ़ी पसंद था अपने ही विचारों को घुमाना, उनसे उनमें उलझना और फिर उन्हीं को क्लियर करना.
देखो अब ऐसा बात हम इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रायोरिटी हमेशा एक मेटाफिजिकल पोएट जो है वो तुम्हारे विचारों से या अदर क्रिटिक के विचारों से कभी सहमत नहीं होता था, वो बस वही लिखता था जो उसको पर्सनली लगता था। इसीलिए इनको काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक पोएट के तौर पर भी देखा जाता है, यानी व्यक्तिवाद के धारा के जो है वो समर्थक हो गए वो। उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कविताएं लोग कैसे पढ़ते हैं कैसे समझते हैं उन्हें जो लगता है बस वही लिखेंगे, बस यही। इट इज़ ए कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, और यह एक तुलना है दो ऐसी चीज़ों के बीच जो कि बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे अब बात कर लो फिजिकल और स्पिरिचुअल, दोनों बिल्कुल अलग हैं। बॉडी सॉल दोनों बिल्कुल अलग है क्योंकि बॉडी नश्वर है और सॉल हमारा अमर है, इमॉर्टल है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी इनके बीच का कंपैरिजन। एज अ पोएट ऑफ लव, और एक प्रेम कवि के तौर पर भी टू डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट, उन्होंने प्रेम का भी बखान किया है। और प्रेम भी दो तरह का होता है, अगेन स्पिरिचुअल लव होता है एक फिजिकल लव होता है। तो इन्होंने कभी फिजिकल लव को कभी रेफर नहीं करा है, कभी फिजिकल लव की बात नहीं करी है, हमेशा इन्होंने एक स्पिरिचुअल लव को दिखाया। याद होगा हम लोग 12th में एक पोएम पढ़े थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें उन्होंने सेपरेशन को भी अच्छा बताया था, मतलब अलग होने को भी। अब देखो जब अलग होने को अच्छा बताया जा रहा है इसका मतलब फिजिकल लव की बात हो ही नहीं रही है, वहाँ पर स्पिरिचुअल लव की बात उन्होंने वो कह रहे थे उस कविता में, शायद आपको याद हो तो वो कहते थे कि अलग होना अच्छा है क्योंकि हमें पता चलेगा एक दूसरे से हम कितने जुड़े हुए हैं, या फिर हम कभी अलग नहीं हो सकते क्योंकि जो स्पिरिचुअली जुड़े हुए होते हैं वो कभी अलग हो ही नहीं सकते, इनका ऐसा मानना था। क्योंकि आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, शरीर का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होता। तो ये सब कभी कभी समझ से बाहर लगता होगा बट अपने आप में काफ़ी आइडियलिस्टिक पोएम भी है क्योंकि ये एक ऐसे प्रेम के आदर्श रूप को स्थापित करते हैं। जैसे हम अपने हिंदी साहित्य में देख लो बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं, जैसे राधा कृष्ण के प्रेम को एक अमर प्रेम गाथा की तरह देखा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी फिजिकल प्रेम की बात नहीं करी, ना ही उनके जीवन में ऐसा कभी कुछ आया। उनका प्रेम अमर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल लव को स्थान दिया, यानी वहाँ पर फिजिकल लव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। एज अ पोएट ऑफ लव टू डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट, फॉर हिम लव इज नॉट फिजिकल, है ना, वही बात है यहाँ पर। उनके लिए प्रेम फिजिकल नहीं, शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक है, यानी आत्मा से उसका संबंध होता है। दस इट कैन बी सेड दैट जॉन डन इज अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जॉन डन जो है ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट हैं। और इनके बारे में आप बायोग्राफी वगैरह इसमें ऐड कर दें, थोड़ा और इलॉन्गेट करना चाहोगे आंसर को तो काफ़ी होगा, इसमें आप समअप करके ध्यान से इसको आप लोग लिख सकते हैं।